वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, आप दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा श्री बौली साहब जी दे। आओ जी, आप जानते हैं इस गुरु स्थान के इतिहास बारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप संगत दर्शन कर रहे हो जी डल्ला साहब अते बौली साहब का संखेप इतिहास। ये गुरद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी के नाम नाल प्रसिद्ध है। डल्ले नगर के भाई नारायण दास जी अते माता भागपरी की सपुत्री माता दमोदरी जी का विआह सी। गुरु अर्जन देव जी ने सपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे नाल 22 भादों संमत 1661 नूं होया सी। बरात विच बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई सालो जी, भाई बालो जी अते होर बहुत सारे गुरसिखां ने हाजरी भरी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने संगत दी लोड़ नूं मुख रखदिआं इस पवित्र बौली साहब दा टप लाया अते बौली बनाउण दी सेवा भाई सालो जी नूं सौंप के इस नगर नूं तीर्थ बना दिता। इसे नगर विच यादगार वजो माता दमोदरी जी दा गुरद्वारा साहब भी सुशोभित है, जिस दे नाल भाई पारो जी दी इह ओह खूही भी मौजूद है। इत्थे बैठ के ओह आउंदे जांदे राहियां नूं ठंडा मिठा जल अते घुंगणियां दा प्रसाद छकाया करदे सन। गुरसिखी दे मुढ भाई पारो जी परमहंस इस नगर विच विचों सन। माता दमोदरी जी भी उन्हां दी कुल विचों सन। भाई पारो जी दी बेनती ते गुरु अमरदास जी तीजे पातशाह ने भी इस नगर विच चरण पा के डल्ले दी धरती नूं पवित्र किया। डल्ले दियां संगतां नूं उपदेश दे के सफल किया। श्री गुरु अमरदास जी ने सिखी दे प्रचार लई 4 मंजी तार इसे नगर विचों थापे। तुसीं सरवण किया जी इस गुरु स्थान का इतिहास कि तुसीं हुण दर्शन कर रहे हो जी बौली साहब के। ये बौली साहब है जिहड़ी गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने टप ला के सेवा शुरू करवाई। दूरों नेड़ों चल के संगत आउंदियां इस बौली साहब के दर्शन करन वास्ते, दर्शन करके जल सकदी है। इस गुरुद्वारे दियां खुशियां, उस मालक दी खुशियां। भाई लालो जी सबरवाल डल्ला निवासी सन, उन्हां दे नाम ते ये बनिया होया जी गुरद्वारा साहब। ते गुरद्वारा साहब दे विच बनी हुई है पार्किंग। ते आओ जी आपां अंदर गुरद्वारा साहब दे दर्शन करदे हां। इधर बनिया है जी जोड़ा घर। उधर कड़ा प्रसाद काउंटर। इधर है जी श्री दरबार साहब। भाई लालू जी दे गुरद्वारा साहब दे नाल ही बनया होया गुरद्वारा माता दमोदरी जी परमहंस भाई पारो जी। ते ए गुरद्वारा साहब
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।